सभी का 70 का संग्राम में मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां चुनावी मौसम में सरकार ने छात्रों को टैबलेट के लिए पैसे देने की घोषणा क्या की। छात्रों में आवेदन पत्र जमा करने के लिए मारामारी शुरू हो गई। तस्वीरें आपको दिखाएंगे रामनगर की, जहां बताया जा रहा है कि छात्र टैबलेट के लिए आवेदन पत्र जमा करने पहुंचे थे, इसके लिए लाइन लगी हुई थी। इसी दौरान पीएनजीपी महाविद्यालय में छात्रों के बीच मारपीट होने लगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर जहां आपको दिखा रहे हैं टैबलेट के लिए आवेदन पत्र जमा करने छात्र होड़ में जुटे हुए थे और इसी बीच कुछ छात्र आपस में ही भिड़ गए। टैबलेट के लिए सरकार ने घोषणा की थी और इसी दौरान ज्यादा भीड़ होने पर छात्र आपस में ही भिड़ गए। यहां पत्र जमा करने की होड़ लगी थी छात्रों में और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। और एक बड़ी खबर इस बीच बताते हैं, लैंसडाउन से भाजपा के विधायक दिलीप रावत ने एक बड़ा बयान दिया है, मेरी सीट पर कुछ नेताओं की गिद्ध दृष्टि है। ये दिलीप रावत ने कहा है, विधायक है दिलीप रावत जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया, कहा मेरी सीट पर कुछ नेताओं की गिद्ध दृष्टि है, यानी कि कुछ लोग मेरी सीट की तरफ देख रहे हैं। गिद्ध दृष्टि रखने वालों को मैं सबक सिखाऊंगा, भाजपा परिवारवाद को नहीं देती है बढ़ावा। क्या कहा दिलीप रावत ने सुनवाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी परिवार के आधार पर कोई टिकट नहीं देती। बहुत सारे लोगों की गिद्ध दृष्टि इसलिए है क्योंकि मैंने 10 साल में अपने एक कार्यकर्ता को नाराज नहीं किया, एक ग्रामवासियों को मैंने नाराज नहीं किया। कुछ लोगों को भले काम नहीं होंगे लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने उत्तराखंड बनने के बाद 10 साल के क्या मेरे से पूर्व के जो 10 साल का कार्य है और मेरा कार्य है, मैं उनसे 21 हूँ और यही स्थिति है कि मेरे सामने विरोधी कोई नहीं है। तो कुछ लोगों को लगता है कि फील्ड आसान है क्योंकि जो मैंने मेहनत से तैयार किया है, तो कुछ लोगों को लगता है कि आसान है इसलिए वहां पर गिद्ध दृष्टि वहां पर जमाए रखते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को हल्द्वानी के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम के स्थल पर पहुंचे और रैली में तैयारियों का जायजा लिया गया। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान भाबर में लाइफलाइन जमरानी बांध परियोजना को लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रस्तावित उनका कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की सभी तैयारियाँ पूरी हो गई। उस दिन हजारों करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास होने वाला, साथ में एक विशाल जनसभा भी होने वाली। उसी विशाल जनसभा के मद्देनज़र और इस कार्यक्रम के तहत जो जरूरी तैयारियाँ पूरी हो गई हैं, लोगों में बहुत उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए और उनके कार्यक्रम में आने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी क्रिकेट खेलने के दौरान चोटिल हो गए थे, हाथ में प्लास्टर है, फिर भी उनके दौरे चल रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हल्द्वानी में ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान छात्र छात्राओं को डिग्रियां दी गई। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर सीएम धामी ने कहा कि सरकार पूरी चौकसी बरत रही है। रिपोर्ट आई है जिस प्रकार से जो भी हमारे मामले आए हैं उन मामलों को देखते हुए हमने अभी अपनी मंत्रिमंडल की जो हमारी बैठक थी उस बैठक में इसकी पूरी समीक्षा की है, सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा की है और जान माल को हर प्रकार से उनकी सुरक्षा हो उसको लेकर हम लगातार उसकी बैठक कर रहे हैं, लगातार उस पर नज़र रखे हुए हैं। इनका जो खतरा है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है और जिस प्रकार से ओमिक्रॉन की एक थ्रेट है, हम सबको मिलकर एक परिवार की तरह इसका सामना करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना जो मास्क का लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग है और जिस प्रकार से हमने सीखा है, मैं तो कहूँगा कि हम सबके लिए चुनौती है और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको एकदम टॉप प्रायोरिटी से करें। सीएम धामी के बाद बात करते हैं पूर्व सीएम हरीश रावत की, जहां चुनाव को लेकर उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। हरीश रावत का आरोप है कि सरकार हार के डर से चुनाव नहीं कराना चाहती। उधर भाजपा ने हरीश रावत के आरोपों को निराधार बताया। भाजपा चुनाव टालना चाह रही है और हम चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो और जिस प्रक्रिया से होते हैं, और यदि ये सरकार हालात पर काबू नहीं कर पा रही है तो फिर
इस ऐसी सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको त्याग पत्र देना चाहिए। यदि वो चुनाव टालते हैं तो हम उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। आप कोरोना के डर से व्यवस्था करने के बजाय, सुरक्षा के बंदोबस्त करने के बजाय, आप यदि चुनाव टाल रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को टाल रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कई बार जो काम वो चाहते हैं वो दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई विचार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल तक, पन्ना प्रमुख तक बनाने की स्थिति में है। संगठनात्मक दृष्टि से कांग्रेस बहुत कमजोर है, इसलिए कांग्रेस की अपनी इच्छा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस प्रकार की कोई इच्छा व्यक्त नहीं की। ना भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव से भागी है, चाहे हम पक्ष में थे चाहे विपक्ष में थे। तो चुनाव टालने को लेकर कांग्रेस तो बीजेपी को घेर ही रही है। इस फहरिस्त में आम आदमी पार्टी भी शामिल है। चुनावी मौसम है, ऐसे में आम आदमी पार्टी अलग अलग मुद्दों के बहाने भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी इन दिनों सरकारी स्कूलों में शिक्षा की बदहाली को मुद्दा बना रही है। चुनावी मौसम में मुद्दों की सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूलों की बदहाली का मुद्दा उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। हवाला दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम का दिया जा रहा है और निशाने पर प्रदेश सरकार है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे नीट और जेई के एग्जाम क्लियर करके बड़े बड़े इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। इस साल 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है। तो ये दिखता है कि सारा मामला साफ नियत का है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के नेता उत्तराखंड के स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। स्कूलों की बदहाल स्थिति को सरकार के सामने रखा जा रहा है, मगर भाजपा कह रही है कि आम आदमी पार्टी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। केवल प्रचार पर खर्चा हो रहा है, केवल झूठ बोला जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है। पूरे 5 साल में केवल एक स्कूल उन्होंने खोला, कोई स्कूल दिल्ली में नहीं खोला। स्कूलों की जो स्थिति है वहाँ पर, मोहल्ला क्लिनिकों की जो स्थिति है, उनमें पशु घूम रहे हैं। और आम आदमी पार्टी केवल झूठ बोलने का, झूठे प्रचार का काम कर रही है। सरकार के शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को और जो भी लोग हैं उनको चुनौती देता हूँ कि कौन से स्कूल में चलना है वो बता दें। आप चलें, मैं चलूँ, उनके लोग चलें और कैमरा लेकर चलें, सीधा देख लेते हैं। मेरा ये मानना है कि प्रदेश के सारे स्कूलों की हालत खराब है। अगर वो कहते हैं 10 स्कूल बढ़िया है तो 10 स्कूलों की लिस्ट दे दें कि ये 10 स्कूल बढ़िया बना पाए हम। उत्तराखंड में शिक्षा बड़ा मुद्दा है। चुनाव के समय राजनीतिक दल इसे अपने सियासी फायदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आम आदमी पार्टी भी सूबे की शिक्षा व्यवस्था का राग अलाप रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर मिल रही है। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने जारी की है कॉलेज के लिए धनराशि, जहां कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने नाराजगी जताई थी कुछ दिन पहले ही। हरक सिंह रावत के दबाव में राज्य सरकार की ओर से 25 करोड़ का शासनादेश जारी किया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। गोपाल राय 30 और 31 दिसंबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे। इस दौरान वे पार्टी नेताओं के साथ मंथन करेंगे। आम आदमी पार्टी का मिशन उत्तराखंड नवनिर्माण का ब्लूप्रिंट फाइनल तैयार हो चुका है। उसकी समीक्षा के लिए माननीय कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी, जो हमारे थिंक टैंक का अहम हिस्सा है और अपने संगठनात्मक अनुभव में अहम माने जाते हैं, पूरे देश में संगठन बनाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनको शीर्ष नेतृत्व द्वारा उस ब्लूप्रिंट का की समीक्षा के लिए उत्तराखंड भेजा जा रहा है। तो उनका 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है, 30 और 31 तारीख को समीक्षा बैठक। और अब बात धर्म संसद की। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने पर 2 मुकदमे दर्ज होने के बावजूद वसीम रिजवी फिर से हरिद्वार पहुंच गए। इस बीच धर्म नगरी में फिर से साधु संत जुटे और धर्म संसद की कोर कमेटी का आयोजन किया गया। कोर कमेटी की बैठक में इसके बाद संतों ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने के लिए एक तहरीर भी दी, जिसमें जिहादियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात कही जा रही है। वेद निकेतन में जो धर्म संसद हुई थी,
आज वह धर्म संसद पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी, और चर्चा का विषय इसलिए बनी है उस धर्म संसद में महत्वपूर्ण विषय उठाया गया, इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है, और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा। हम इस्लाम की जिहादियों के खिलाफ लड़ेंगे, इस्लाम के खिलाफ लड़ेंगे, इस्लाम के जो इस दुनिया में इस्लाम को लाने वाला है मोहम्मद, उसकी मानसिकता के खिलाफ लड़ेंगे। जो सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है इस्लाम, हम उसकी मानसिकता पर चोट करेंगे, हम उसके ऊपर चोट करेंगे, और जरूरत पड़ी तो अपने खून की एक एक बूंद भी देंगे। हरिद्वार जो देवनगरी है उसमें जब देखो 4-5 हजार मुल्ला और मस्जिदों के मौलवी जमा हो जाते हैं, और उसके बाद थाना घेर के और चैलेंज देते हैं, सनातन धर्म के लोगों को चैलेंज देते हैं। अभी कुछ ने भी देखा नहीं, हम लोगों ने तहरीर दी है। किस दी है? हमारे नरसिंहानंद जी और जो दूसरे जो त्यागी बैठे उनके माध्यम से। अलग अलग मुद्दों से उत्तराखंड की राजनीति को गरमाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड का मौसम ठंडा है। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम सुहाना बना हुआ है। जोशीमठ में मौसम बदल गया है, पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। बर्फबारी की खबर के बाद सैलानी औली का रुख कर रहे हैं, मगर सड़कों पर बर्फ की वजह से वाहन फिसलने लगे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जोशीमठ की, जोशीमठ औली मार्ग की है ये तस्वीर, जहाँ बर्फबारी की वजह से सड़क पर वाहन फिसल रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि बर्फबारी से सैलानियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए इंतजाम किए गए हैं। वहीं उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, न्यू ईयर से पहले पहाड़ों पर बर्फबारी होने लगी है। बर्फबारी की अलग अलग 6 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सैलानियों की पहली पसंद औली में बर्फबारी हो रही है, वहीं नैनीताल में भी बर्फबारी हुई, चोपता में भी बर्फबारी हुई है, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हो रही है। हालांकि अभी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हैं। वहीं पिथौरागढ़ में मुनस्यारी में भी बर्फबारी है। बर्फबारी की खबर के बाद उत्तरकाशी में सैलानी जुटने लगे हैं। एक तरफ सैलानी इस खुशनुमा मौसम में मौज मस्ती कर रहे हैं, तो वहीं पारा गिरने से सर्दी भी बढ़ गई है, जिससे सैलानियों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। उधर सैलानियों की आवाजाही बढ़ने से होटल कारोबारी काफी खुश है। यहाँ पे और यहाँ का व्यू देख के बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हम नेचर के बीच में ऐसे रह के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो हमारा बारसू में ये रमणीय स्थल है, आप लोग देख सकते हैं सर्दियों का मौसम है और आप चारों तरफ बर्फ गिरने वाली है, और जहाँ जो यहाँ पे बारसू में ये रिजॉर्ट है मतलब बहुत अच्छा है। फिलहाल तो बहुत संभावनाएं लग रही है पर्यटकों के बढ़ने की। पिछले एक हफ्ते से जो हमारा दया रिजॉर्ट के नाम से होटल है यह पूरा बुक है, और 31 तारीख तक एडवांस बुकिंग है पूरी, और काफ़ी लोग जो आ रहे हैं। संभावना ऐसा है कि थोड़ा और बर्फबारी हो जाए तो काफ़ी लोग बढ़ेंगे, और ये सुखद अनुभव है। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ रोज मौसम ऐसा ही बना रहेगा, न्यू ईयर के मौके पर बर्फबारी हो सकती है। बारिश बर्फबारी जो है वो कुछ जगहों तक जो कुमाऊं क्षेत्र के हमारे जनपद है उसमें वो मिलेंगी, या फिर जो उससे लगे हुए गढ़वाल क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे चमोली और पौड़ी की अगर बात करें। जहाँ तक बर्फबारी की बात है तो वो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहीं पर वो देखने को मिलेगी। बाकी जगह में आप ये कह सकते हैं हल्की या बहुत हल्की वर्षा जो है वो देखने को मिलेगी कुछ जगह। 70 का संग्राम में अब बात पिथौरागढ़ की गंगोली हाट विधानसभा सीट की। ये सीट अब तक भाजपा के कब्जे में रखी है, मगर इस बार कैसे हैं सियासी समीकरण, इसी पर बात करेंगे। पिथौरागढ़ की गंगोली हाट विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर मौजूदा समय में भाजपा का कब्जा है। चलिए आपको बताते हैं कि गंगोली हाट विधानसभा सीट का सियासी इतिहास किस तरह से रहा है। इस सीट पर सबसे पहले 2002 में विधानसभा चुनाव हुआ था। 2002 में कांग्रेस के नारायण राम आर्या की जीत हुई थी, जबकि भाजपा के जोगाराम टमटा दूसरे स्थान पर रहे थे। 2007 में चुनाव में जनता का मूड बदला और भाजपा के जोगाराम टमटा विजयी हुए।
जबकि कांग्रेस के नारायण राम आर्य चुनाव हार गए। 2012 के चुनाव में जनता ने फिर से बदलाव का मन बनाया और कांग्रेस के नारायण राम आर्य चुनाव जीत गए, जबकि भाजपा की गीता ठाकुर चुनाव हार गई। 2017 चुनाव में भाजपा की मीना गंगोला की जीत हुई, कांग्रेस के नारायण राम आर्य चुनाव हार गए। मीना गंगोला को यकीन है कि जनता इस बार भी भाजपा का ही साथ देगी। जो जो कार्य मैंने इन 4.5 सालों में किया, चाहे शिक्षा के स्तर पर हो, स्वास्थ्य का स्तर पर हो, या सड़क कहूँ, पेयजल कहूँ, और बहुत अच्छा काम सरकार ने किया है और बहुत सहयोग मुझे, जब जब भी मैं जो भी योजनाएं मैं लेकर के माननीय मुख्यमंत्री अपने तक ले गई, वो मेरे सब काम। इस सीट का सियासी इतिहास बताता है कि जनता एक पार्टी पर भरोसा नहीं करती। 2002 से लेकर अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2 बार कांग्रेस और 2 बार भाजपा जीत दर्ज कर चुकी है। ये साफ है कि पहाड़ की जनता के पास ज्यादा विकल्प नहीं है, इसीलिए वो कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा को वोट करती है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी पहाड़ पर काफी सक्रिय है, इसीलिए जनता के पास एक और ऑप्शन भी है जो भाजपा और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। एबीपी गंगा के लिए पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है। भाजपा सांसद अजय टमटा का कहना है कि विजय संकल्प यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। कुमाऊं में शुरू हुई विजय संकल्प यात्रा का समापन हल्द्वानी में पीएम मोदी के दौरे के दौरान होगा। हमारी विजय संकल्प यात्रा हरिद्वार, गढ़वाल की और कुमाऊं की, हमारी बागनाथ, बागेश्वर, कपकोट, गंगोलीहाट, डीडीहाट, धारचूला, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, अल्मोड़ा, आज सल्ट में यात्रा, कल रानीखेत में रहेगी और फिर आगे नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के साथ जाके 28 तारीख के बाद 1 तारीख के कार्यक्रम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जो हल्द्वानी का प्रवास है, कुमाऊं का प्रवास है, उस तक रहेगी। पौड़ी पहुंचे डीआईजी गढ़वाल के एस नगनियाल ने जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ आज मीटिंग की। इस दौरान कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चौकसी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए अब यहां चौकस रहने की बात कही गई है। उत्तराखंड के देवव्रत पुरी को भारत का यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। देवव्रत को एपीडीआई की तरफ से दिल्ली के पीएचडी हाउस में करवाए गए कार्यक्रम में ये अवार्ड दिया गया। देवव्रत को जासूसी और पैरानॉर्मल कामों के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यंगेस्ट प्राइवेट डिटेक्टिव अवार्ड मिला है, आज से पहले अभी तक ये किसी भी डिटेक्टिव को नहीं मिला है, जिसमें ना हमारे जो करनाल सिंह जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं ईडी के, उन्होंने ये अवार्ड दिया है। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस होती है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जो मैंने इन्वेस्टिगेशंस करी हैं पैरानॉर्मल, और प्राइवेट डिटेक्टिव भी इन्वेस्टिगेशंस करी हैं, उसके कारण जो मेरी अचीवमेंट रहा है उसके कारण मुझे अवार्ड दिया गया। चलिए इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।